लखनऊ की मीडिया इतनी खराब है मुझे नहीं पता था। सो गाइस, कल मीडिया वालों की एलवी यादव को लेकर वायरल क्लिप को लेकर एलवी यादव के भी इसके ऊपर रिएक्शन आया है। एंड साथ ही साथ गाइस, यहां पर एलवी यादव के किसी फैन ने मीडिया वालों को पूरा प्री प्लान एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि गाइस जब ईडी कार्यालय के बाहर एलवी यादव का इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया वाले वेट कर रहे थे और वहां पर मीडिया वाले एलवी यादव के खिलाफ प्लान बना रहे थे, तो ये बंदा भी वहां पर था। और गाइस, इस बंदे ने एलवी यादव के अगेंस्ट मीडिया वालों से क्या क्या सुना, इसके मुंह से आप लोग सुन लीजिए। भाई, मैं लखनऊ से हूँ और आज जहाँ पे एलविस को ईडी ने बुलाया गया था लखनऊ में, वहाँ पर मैं भी गया था मिलने। तो यार, मीडिया वालों का जो बिहेवियर था अच्छा नहीं था, घुसे जा रहे थे बेफर्जी में। जैसे एक भी मीडिया वाला ऐसा नहीं था जो एलविस के सपोर्टर में, वही सब हेटर थे। किसी के मुँह से मैंने अच्छी बात सुनी नहीं होगी। भाई, मैं मीडिया वालों को यही कहना चाहता हूँ, भाई किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो उसके लिए बुरा भी मत बोलो। बस बहुत गलत लगा भाई, आज बहुत दुख हुआ ये सब देख के कि आदमी को तुम सामने से ऐसे बोल रहे हो, जब वो बाहर आया उसके पीठ पे जब कैसी कैसी बात कर रहे हो, सही नहीं है यार। लखनऊ की मीडिया इतनी ख़राब है मुझे नहीं पता था। सो गाइस, मीडिया वालों की इन्हीं सभी चीजों के ऊपर एलवी यादव ट्वीट करते हुए ये लिखते हैं, फोर दोस्त जो मीडिया वालों को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर मानते हैं। सो गाइस, जो मीडिया वाले एलवी यादव के खिलाफ ये सब प्लानिंग कर रहे थे, इससे एलवी यादव बिल्कुल भी खुश नहीं है। और गाइस, इस चीज से एलवी यादव की फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है। सो बाकी यहाँ पर आप लोग एलवी यादव और न्यूज वालों के बारे में क्या कहना चाहोगे, अपने ओपिनियन नीचे कॉमेंट कर जरूर से बता देना। एंड गाइस, अभी के लिए बस इतना अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।